सो है गाइस, कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है KTM ड्यूक्स लवर्स के लिए। तो जी हाँ फ्रेंड्स, हाल ही में आपको पता चल ही गया हो, KTM की तरफ से एक न्यू बाइक 2022 में लॉन्च होने वाली है, जिसका नाम है KTM ड्यूक्स 125, यानी कि जो कि नेक्स्ट वर्जन में आने वाली है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं इस बाइक के फुल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसके इंजन सीसी डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कि इसका जो इंजन सीसी है वो क्या रहने वाला है। तो 124.7 सीसी इंजन इस बाइक के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है KTM ड्यूक्स के। और फ्रेंड्स, अब मैं बात कर लेता हूँ इसके मैक्सिमम पावर की, कि इस बाइक के अंदर मैक्सिमम पावर क्या है। तो 14.5 HP RPM के साथ इस बाइक के अंदर मैक्सिमम पावर देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ साथ मैं बात करता हूँ इसके मैक्सिमम टॉर्क की, तो 12 NM RPM के साथ इस बाइक के अंदर आपको मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिलने वाला है। नंबर ऑफ वन सिलेंडर्स देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूँ इसके गियर्स की, कि इस बाइक के अंदर कितने गियर्स हमें मिलने वाले हैं KTM ड्यूक्स के अंदर। तो जी हाँ फ्रेंड्स, 6 गियर के साथ इस बाइक के अंदर आपको गियर्स मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँगी इसके सीट हाइट की, कि इस बाइक की जो सीट हाइट है वो क्या रहने वाली है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, 822 mm की सीट हाइट इस बाइक के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 154 mm रहने वाला है। अब मैं बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स इसके कर्व वेट की, इस बाइक का जो कर्व वेट है वो क्या रहने वाला है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसका जो कर्व वेट है वो 159 kg कर्व वेट रहने वाला है KTM ड्यूक्स के अंदर। अब फ्रेंड्स, मैं बात कर लेता हूँ इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, कि इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, यानी कि कितने लीटर्स पेट्रोल हम इस बाइक के अंदर KTM ड्यूक्स के अंदर 125 cc के अंदर स्टोरेज कर सकते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 13.5 लीटर्स, यानी 13.5 लीटर्स पेट्रोल आप इस बाइक के अंदर स्टोरेज कर सकते हो। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और KTM ड्यूक्स 125 यानी कि 125 सीसी से जितनी भी लेटेस्ट अपडेट जानकारी लेने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसी ही एक और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।